नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। ओबीसी आरक्षण पर राज्य सरकार के अध्यादेश के फैसले का पूर्व चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने किया स्वागत। फडणवीस बोले, देर आए पर दुरुस्त आए। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर का पाठ्यक्रम जरूरी। राज्यपाल के हाथों हुआ रक्षा अंतरिक्ष कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन। और शहर में पुलिस कर्मियों की फिर से कोरोना टेस्ट हुई शुरू। सभी थानों में मनपा का विशेष अभियान। और अब खबरें विस्तार से। ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार दो अध्यादेश निकालने वाली है, जिसका मैं स्वागत करता हूँ। देर आए पर दुरुस्त आए, ऐसी प्रतिक्रिया विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में दी है। ऐसा अगर राज्य सरकार पहले करती तो उचित होता, ऐसा बयान देवेंद्र फडणवीस ने दिया। मी अध्यादेशाचं स्वागत करतो। मुळातच अध्यादेश काढल्यामुळे ज्या सुप्रीम कोर्टाने तीन टेस्ट सांगितलेल्या आहेत त्यातल्या दोन टेस्ट पूर्ण होतील, तथापि एक टेस्ट त्यानंतरही शिल्लक राहील। तीही ज्याप्रकारे मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक झाली त्या बैठकीत मी सांगितलं होतं की आपण राज्य मागासवर्ग आयोगाला सांगून त्या संदर्भातला एक अहवाल तयार करून घेतला पाहिजे, म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेल्या तिन्ही टेस्ट पूर्ण होतील आणि मग कोणीही सुप्रीम कोर्टात जाऊन या आरक्षणाला चॅलेंज करू शकणार नाही। त्यामुळे मी असं म्हणतो की सरकारने हे आधीच करायला पाहिजे होतं। 13/12/2019 ज्यावेळी पहिल्यांदा सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं त्यावेळेस जर आपण हा निर्णय केला असता तर ओबीसी आरक्षण गेलंच नसतं। पण ठीक आहे, उशिरा सुचलेलं शहाणपण म्हणूया, पण हरकत नाही, देर आहे दुरुस्त आहे, चांगला निर्णय आहे। मात्र या निर्णयानंतरही विशेषतः 5 जिल्ह्यांमध्ये आत्ता ज्या निवडणुका लागलेल्या आहेत त्या ठिकाणी मात्र ओबीसीची एकही सीट राहणार नाहीये आणि अजून 3-4 जिल्हे असे राहतील की ज्या ठिकाणी अडचणी येतील त्याही आपल्याला सोडवाव्या लागतील। खरं तर आमची अपेक्षा अशी होती की हे जे 5 जिल्हे आहेत या 5 जिल्ह्यातही म्हणजे नागपूर असेल, पालघर असेल किंवा या ठिकाणी इतर दोन ज्या काही जिल्ह्यांमध्ये धुळे, नंदुरबार वगैरे जिथे चाललेलं आहे तिथलाही काहीतरी निर्णय व्हावा। पण आता ठीक आहे, आता त्या संदर्भात आता ऑलरेडी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि एशियाई देशों में सुरक्षा संबंधी शस्त्र निर्माण व आधुनिक तकनीकी ज्ञान को लेकर स्पर्धा बढ़ गई है। इस स्पर्धा में बने रहने के लिए विश्वविद्यालयों को भी सुरक्षा क्षेत्र से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने की जरूरत है। नागपुर विद्यापीठ विश्वविद्यालय द्वारा इस दिशा में बढ़ाया गया कदम सराहनीय है। अमरावती रोड स्थित कैंपस में बुधवार को राज्यपाल के हाथों रक्षा व अंतरिक्ष कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में महापौर दयाशंकर तिवारी, उपकुलपति सुभाष चौधरी, प्र उपकुलपति संजय दुधे, कुल सचिव राजू हिवसे, ग्रुप कैप्टन ग्रुप कमांडर एनसीसी एम कलीम उपस्थित थे। राज्यपाल ने कहा कि एशियाई देशों में अन्य का अस्तित्व नष्ट करने केवल खुद का अस्तित्व कायम रखने जैसी स्पर्धा बढ़ गई है। यही वजह है कि रक्षा आंतरिक कौशल विषय में बड़े पैमाने में मनुष्य बल तैयार करने की आवश्यकता है। विद्यापीठ में पाठ्यक्रम शुरू होने से मनुष्य बल तैयार हो सकेगा। भविष्य में इस क्षेत्र में विश्व स्तर की अनेक कंपनियां आएंगी, अतः विद्यापीठ को इस पाठ्यक्रम की ओर विशेष ध्यान देना होगा। कौशल युक्त मनुष्य के साथ ही संरक्षण विशेषज्ञ तैयार किए जाए, यही प्रधानमंत्री की भी अपेक्षा है। विद्यापीठ को निधि की कमी नहीं पड़ने देंगे, जरूरत पड़ने पर देश विदेश से निधि उपलब्ध कराई जाएगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। विद्यापीठ द्वारा कुल 11 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। प्रास्ताविक भाषण उपकुलपति चौधरी ने दिया। केवल लेबर ही नहीं चाहिए, वी नीड इंजीनियर्स आल्सो, वी नीड मैकेनिक्स आल्सो, और एक प्रकार से हमको एक्सपर्ट्स भी चाहिए। अब आईटीआई कैन नॉट प्रोड्यूस एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स कहाँ प्रोड्यूस होंगे, वो यूनिवर्सिटी में होंगे। उस दिशा में आपका विश्वविद्यालय काम कर रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम सब लोग ये आशा रख रहे हैं कि जो सपना प्रधानमंत्री का नहीं है, भारत के हर नागरिक का है, क्योंकि प्रधानमंत्री वही सपना देखते हैं जो भारत का हर नागरिक देखता है, कोई अलग से नहीं सोचते, आपके अंदर की भावना का ही प्रकटीकरण करते हैं। और इसलिए
आपके अंदर की भावनाओं का, देश की जनता का, सिटीजन का, नागरिक का ये भावना को देखते हुए कि मेरा देश संपन्न होना चाहिए, मेरा देश शक्तिशाली होना चाहिए, उस भावना के अनुकूल उन्होंने कोशिश की है कि देश के अंदर हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे विद्यापीठों में, इस प्रकार का हमारे आईटीआई में, स्कूल्स में इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि जिससे बच्चे आत्मनिर्भर हो, जिससे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिले, न केवल एम्प्लॉयमेंट बल्कि वो एम्प्लॉयर भी बने, नॉट पॉलिटिकल गेट एम्प्लॉयमेंट बट दे हैव टू बिकम एम्प्लॉयर। इसलिए हमने स्टार्टअप देव स्टार्टअप स्टार्ट किया है, स्टैंडअप स्टार्ट किया है, हम उस दिशा में आगे बढ़े। और नागपुर ये तो देश का नाभिक केंद्र है, सेंटर है, और इसलिए यहाँ डिफेंस के मामले में इस प्रकार का जो काम चल रहे हैं, इंडस्ट्री चल रहे हैं, उस इंडस्ट्रीज के लिए हम इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से, आईटीआई के माध्यम से ऐसे स्किल इस प्रकार के हम तक। पुणे में हाल ही में पुलिस की विशेष शाखा की ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के 33 थानों में से कर्मचारी ट्रेनिंग के लिए गए थे। ट्रेनिंग कर वापस लौटे पुलिस कर्मचारियों में अधिकांश कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से अब विशेष रूप से पुलिस थानों में कोरोना की आरटीपीसीआर टेस्ट कराने का निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देशों के अनुसार बुधवार से अभियान की शुरुआत की गई है। बताया जा रहा है कि गत कुछ दिनों से शहर में कोरोना पॉजिटिव का प्रमाण कुछ बड़ा है, जिसमें पुलिस कर्मचारियों की संख्या भी है। यही कारण है कि सभी थानों में विशेष जांच शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि जिन कर्मचारियों की जांच की गई उनमें किसी तरह के लक्षण तो नहीं है, रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही पता चल पाएगा। पुणे से लौटे और पॉजिटिव पाए गए पुलिस कर्मचारियों को एहतियात के तौर पर विधायक निवास क्वारंटाइन सेंटर पर रखे जाने की जानकारी सूत्रों ने दी। पहले ही दिन मनपा के सभी 10 जोन अंतर्गत आने वाले हर थाने में जांच के लिए टीम भेजी गई, जहां पहले ही दिन 500 पुलिस कर्मचारियों के सैंपल लिए गए। उल्लेखनीय है कि पुणे से लौटने के बाद 12 पुलिस कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए थे। उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अनुसार अब महानगर पालिका की ओर से सभी थानों में आरटीपीसीआर टेस्ट कराने का निर्णय लिया गया है। अभियान के तहत अब तक पारडी, कलमना, अंबाजरी, सीताबर्डी, गिट्टी खदान, इमामवाड़ा, प्रतापनगर, नंदनवन, शांतिनगर, लकड़गंज, यशोधरा नगर आदि पुलिस थाने में आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जा चुका है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आह्वान पर नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रांगण में अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया के नेतृत्व में व्यापारियों ने भारत में विदेशी निवेश वाली ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा ई कॉमर्स व्यापार में चलाई जा रही क्रूर प्रथाओं के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया ने कहा कि यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी सारी स्थापित नीतियां, कानून और नियम और एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था होने के बावजूद बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां जो अभी भी संबंधित नियमों और कानूनों का उल्लंघन कर रही है, उनके खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यह देखना सबसे आश्चर्यजनक है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों ने कुछ वैश्विक कंपनियों के व्यापार मॉड्यूल पर कुछ मजबूत एवं तीखी टिप्पणियां की है, फिर भी ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि देश के ई कॉमर्स व्यापार में जिस तरह से विदेशी कंपनियां ई कॉमर्स नियमों का खुला उल्लंघन कर रही है और कानूनों को तोड़ मरोड़ कर भारत कर ई कॉमर्स व्यापार पर कब्जा जमाने की एक सोची समझी साजिश के तहत काम कर रही है, उनके खिलाफ देश भर में अपनी आवाज बुलंद की गई है। मांग को लेकर देश भर में एक महीने तक ई कॉमर्स पर हल्ला बोल अभियान की शुरुआत की गई है। सरकार द्वारा बनाए गए ई कॉमर्स के नियम देसी अथवा विदेशी सभी ई कॉमर्स कंपनियों पर समान रूप से लागू होने चाहिए, जिससे कोई भी कंपनी ई कॉमर्स व्यापार को अपना बंधक न बना सके। नागपुर शहर के एक युवक को बिटकॉइन ट्रेडिंग में 3 गुना मुनाफा कमाने का लालच देकर 65 लाख रुपए का चूना लगाया गया। जरीपटका पुलिस ने न्यू ठहरे कॉलोनी निवासी पीयूष रमेश पंचभाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि पीयूष पुणे की सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है। एक मित्र के जरिए पीयूष को बिटकॉइन ट्रेडिंग के बारे में पता चला। उसी के जरिए सिया दंग नामक महिला ने पीयूष को एक लिंक भेजी। इसमें ट्रेडिंग से जुड़ी जानकारी थी। व्हाट्सएप चैटिंग के जरिए सिया ने ट्रेडिंग के फायदे बताए। इसके बाद उन्हें बेंगलुरु के बैंक खाते में 14,000 रुपए जमा करके डॉलर खरीदने को कहा गया। एक सप्ताह में ही पीयूष के खाते में 20,400 रुपए जमा करवाए गए। पहले हफ्ते में ही 6,400 रुपए का फायदा होने से पीयूष का विश्वास बढ़ गया। इसके बाद और 16,600 रुपए का फायदा हुआ। पीयूष को लगा कि इस व्यापार में कई गुना मुनाफा कमाया जा सकता है। पीयूष ने सिया के जरिए 40 लाख रुपए निवेश कर दिए।
उन्हें बताया कि कुछ समय में ही 7 करोड़ 80 लाख रुपए वापस मिलेंगे। कुछ समय बाद ही सिया ने बताया कि उनके बाइनेंस खाते में 7 करोड़ 80 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। पीयूष ने तुरंत कंपनी से रकम मांगने के लिए आवेदन दिया, लेकिन बताया गया कि 8 लाख रुपए जमा करवाने पर ही यह रकम निकाली जा सकती है। पीयूष ने दोबारा पैसों का इंतजाम किया और सिया द्वारा बताए गए खाते में 8 लाख रुपए जमा करवा दिए। इसके बाद अलग अलग कारण और चार्जेस बताकर खाते में रकम जमा करवाई गई। 65 लाख रुपए जमा होने के बाद आरोपियों ने पीयूष से संपर्क तोड़ दिया। जांच पड़ताल करने पर धोखाधड़ी का पता चला और पुलिस से शिकायत की। दिल्ली और राजस्थान में मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा यानी नीट में हुई धांधली को लेकर पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। अब इसके तार नागपुर के कोचिंग सेंटर से भी जुड़ गए हैं। बताया जाता है कि सीबीआई दिल्ली की टीमों ने मंगलवार को नागपुर में 2 जगहों पर छापेमारी करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोचिंग सेंटर द्वारा कैंडिडेट को पास करवाने के लिए 50 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों सहित मेडिकल से संबंधित अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए छात्रों को नीट की परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है। इसमें स्कोर के हिसाब से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलता है। ऐसे में कोचिंग सेंटर के संचालकों द्वारा उम्मीदवारों को पास करवाने के लिए लाखों रुपए की सुपारी ली जा रही थी। इसका पता 3 दिन पहले चला और सीबीआई द्वारा दिल्ली और राजस्थान में छापेमारी की गई। जेईई मेन्स के बाद नीट परीक्षा में धांधली होने से पूरे देश में खलबली मच गई है। इस प्रकरण में पहले जयपुर से 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उनसे पूछताछ करने पर नागपुर के आरके और करियर कोचिंग का नाम सामने आया। दिल्ली सीबीआई के अधिकारी मंगलवार को नागपुर पहुंचे। स्थानीय अधिकारियों का सहयोग लेकर दोनों कोचिंग सेंटर में छापा मारा। बताया जाता है कि 5 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ मोबाइल, लैपटॉप और बैंक के चेक और दस्तावेज भी जब्त किए गए। नामी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए का डोनेशन देना पड़ता है। ऐसे में कोचिंग सेंटर के संचालकों ने नया खेल रचाया। उम्मीदवारों को अच्छे स्कोर के साथ मेडिकल में प्रवेश दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए तक लिए। बोगस उम्मीदवार को परीक्षा में बैठाकर मार्क्स स्कोर किए जाने थे। पहले उम्मीदवार के परिजनों से पोस्ट डेटेड चेक लिया गया। पास होने के बाद ही इसे कैश करवाए जाने की जानकारी दी गई थी। अब सीबीआई पेमेंट करने वालों की भी जांच करने वाली है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। आनंदाचे उधान येईल गौरी गणपती येता दारी, रोकडे ज्वेलर्सच्या अप्रतिम दागिन्यांनी होईल त्यांच्या आगमनाची तयारी। यंदा सजवा आपल्या गौरी गणपतीला उत्कृष्ट कलाकुसरीने नटलेल्या रोकडे ज्वेलर्सच्या सुंदर दागिन्यांनी। नागपूरकरांचा दागिना रोकडे ज्वेलर्स, लक्ष्मीनगर, महल आणि इतवारी, रोकडे ज्वेलर्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
सरकार द्वारा आवंटित की गई जमीन का दुरुपयोग कर शेघाव संस्थान की ओर से अवैध निर्माण किए जाने का आरोप लगाते हुए अशोक घोरमाड़े ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिका पर बुधवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनिल किल्लौर ने याचिका में कोई तथ्य नहीं होने का हवाला देते हुए न केवल याचिका ठुकरा दी बल्कि याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। याचिकाकर्ता ने गजानन महाराज शेगांव संस्थान द्वारा किए गए कथित अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने, सरकारी अधिकारियों को निलंबित करने, जनहित के खिलाफ कार्य करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश देने का अनुरोध याचिका में किया था। याचिकाकर्ता ने गैर कानूनी कार्य प्रणाली को लेकर जांच कर अदालत में रिपोर्ट पेश करने के आदेश राज्य सरकार को देने का अनुरोध किया। याचिका में बताया गया कि अब तक कई बार गजानन महाराज संस्थान के पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई, साथ ही उनके द्वारा अपने जिम्मेदारी का वहन नहीं करने के लिए भी शिकायत की गई थी। 22 सितंबर 1999 को राज्य सरकार की ओर से धार्मिक स्थल के विकास के लिए 101 हेक्टेयर जमीन 15 वर्षों की लीज पर गजानन महाराज संस्थान को प्रदान की थी। सरकार की ओर से प्रदान जमीन पर किसी तरह का पक्का निर्माण नहीं करने की शर्त रखी गई थी। जमीन पर केवल सौंदर्यीकरण करना था। राज्य सरकार की ओर से लीज की समय अवधि 30 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। भौगोलिक रूप से देश के मध्य भाग में स्थित सिटी की ऐतिहासिक धरोहर जीरो माइल की दुर्दशा देखते ही बनती है। जिस जगह से देश भर के क्षेत्रफल की गणना होती है उस जगह पर इन दिनों सुअरों ने अपना अड्डा बना लिया है। दिन में झुंड में निकलने वाले सुअर जीरो माइल में आकर न केवल मौज मस्ती करते हैं बल्कि मिट्टी भी निकाल देते हैं। चारों ओर फैली अव्यवस्था के बाद भी प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जीरो माइल की अपनी ही विशेष पहचान है। अन्य शहरों से सिटी में आने वाले लोग जीरो माइल को देखने आते हैं लेकिन शहर प्रशासन को यह फैली अव्यवस्था नजर आती। इतना ही नहीं, पिछले दिनों हाईकोर्ट ने भी स्वयं संज्ञान लेते हुए सौंदर्यीकरण के आदेश दिए थे लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। प्रशासन बारिश के दिन होने का बहाना बताकर जिम्मेदारी से मुंह मोड़ ले रहा है। जीरो माइल में बने पत्थरों के स्तंभ में जगह जगह दरार पड़ने लगी है। कुछ जगह तो पत्थर भी टूटकर निकल रहे हैं। पिछले दिनों सौंदर्यीकरण की दिशा में पहल की गई थी लेकिन यह ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। इन दिनों सुअरों ने इस जगह को अपना सुरक्षित अड्डा बना लिया है। दिन और रात के वक्त सुअर यहाँ आते हैं। कई बार तो सुअरों के बीच लड़ाई भी देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, सुअरों ने घास की जड़ें खाने के लिए मिट्टी भी खोद कर रख दी है। वहीं बीच में पानी पीने के लिए भी गड्ढा बना लिया है। चारों ओर घास उग गई है। यहाँ लगाए गए पत्थर के घोड़ों के पैर टूट रहे हैं। परिसर में सौंदर्यीकरण की धज्जियां उड़ाई गई है। जीरो माइल के सौंदर्यीकरण सहित रखरखाव की जिम्मेदारी मनपा प्रशासन की है। इसी मार्ग के होकर आला अधिकारी भी गुजरते हैं लेकिन दुर्दशा की ओर से किसी की भी नजर नहीं जाती। वर्षों बाद कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चुनाव का मुहूर्त निकल ही गया। राज्य सहकारी निवर्णुक प्राधिकरण पुणे की एक अधिसूचना तेजी से वायरल हो रही है। वायरल अधिसूचना के अनुसार 23 अक्टूबर को चुनाव होंगे और मतों की गिनती 24 अक्टूबर को होनी है। हालांकि पेंच अभी भी उच्च न्यायालय में फंसा है जिस पर 16 सितम्बर को सुनवाई होनी है। इस बीच राज्य सरकार ने अपनी तैयारी दर्शा दी है और चुनाव को लेकर पूरी प्रक्रिया जारी कर दी गई है। 20 सितंबर से ही प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। नामांकन भरने की तारीख 20 सितंबर से शुरू है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति स्थित चुनाव अधिकारी के पास से फॉर्म लिया जा सकता है। यह प्रक्रिया 24 तक चलेगी। 24 सितंबर को शाम 4 बजे के बाद सूची जारी कर दी जाएगी। 28 सितंबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी। 28 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 13 अक्टूबर को अंतिम सूची और चुनाव चिन्ह जारी कर दिया जाएगा। आर काजडीकर को चुनाव अधिकारी बनाया गया है जबकि जिला चुनाव अधिकारी गौतम वाल्दे होंगे। चुनाव में कुल 18 सदस्यों का चयन किया जाएगा जिसके लिए 4000 से अधिक सदस्य अपने अपने मत का प्रयोग करेंगे। व्यापारी वर्ग से लगभग 2200 से अधिक वोटर है। सेवा सहकार क्षेत्र से सर्वाधिक 11 सदस्य चुने जाते हैं। 2012 में अंतिम बार APMC का चुनाव हुआ था। इसके बाद से कानूनी विवाद और प्रशासक के अधिकार में ही समिति रही है। व्यापारियों और किसानों की बातों को तवज्जो नहीं दी जा सकती। अनेक विकास कार्य रुके हुए हैं। चुनाव को लेकर सभी वर्गों में उत्साह है लेकिन टलते रहने के कारण समस्याएं विकराल होती जा रही थी। चुनाव संबंधी GR आने से ही बाजार में काफी उत्सुकता का माहौल देखा जा रहा है और कई लोग अभी से दावेदारी करने के मूड में भी आ गए हैं।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि विदर्भ में हजारों माल गुजारी तालाब है, इन तालाबों के माध्यम से खेती की सिंचाई क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। विदर्भ में चावल अधिक होता है, इससे विदर्भ विकास की दिशा तय करने के लिए विद्यार्थी अनुसंधान करें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी विश्वेश्वरीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान VNIT के 19वें दीक्षांत समारोह में बतौर अतिथि बोल रहे थे। कार्यक्रम में CSIR के संचालक डॉ. शेखर मांडे, संस्थान संचालक डॉ. PM पडोले, रजिस्ट्रार SR साठे उपस्थित थे। इस अवसर पर अतिथियों के हाथों छात्रों को मेडल पुरस्कार दिए गए, वही छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। गडकरी ने कहा कि अनुसंधान के माध्यम से कृषि, ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्र के कल्याण के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। विदर्भ में 80% खनिज है, वही 80% वन संपत्ति है। इन प्राकृतिक संसाधनों का विदर्भ विकास के लिए किस तरह उपयोग किया जा सकता है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। आजादी के 75 वर्ष के बाद भी कृषि, ग्रामीण व आदिवासी भागों में बेरोजगारी और निर्धनता का सामना करना पड़ रहा है। देश के सामने अब भी विकास के असंतुलन और सामाजिक विषमता जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। इन हालात में समृद्ध, नवीनतम और शांतिपूर्ण भारत का सपना साकार करने के लिए तकनीकी ज्ञान और मानवता के साथ सामने आना होगा। अभियंत्रिकी विद्यार्थी अपने ज्ञान और कौशल को समाज के अंतिम घटक तक पहुंचाए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्टेशन परिसर में यात्रियों की संख्या कम रखने के उद्देश्य से प्लेटफॉर्म टिकट की दर बढ़ा दी गई थी। हालांकि दक्षिण पूर्व मध्य रेल नागपुर मंडल द्वारा बुधवार से एक बार फिर प्लेटफॉर्म टिकट ₹10 का कर दिया गया। इससे पहले 14 जून को जारी आदेश के अनुसार मंडल के तहत गोंदिया व राजनांदगांव स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट ₹50, जबकि इतवारी, डोंगरगढ़ और छिंदवाड़ा स्टेशन पर ₹30 और अन्य स्टेशनों पर ₹10 की दर तय की गई थी। बुधवार को जारी आदेश पर अब मंडल के सभी स्टेशनों पर समान रूप से ₹10 में ही प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगा। कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद जब रेलवे ने दोबारा ट्रेनों की संख्या बढ़ानी शुरू की तो स्टेशन परिसर में लोगों की संख्या सीमित करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट महंगी करने का विचार किया। हालांकि बोर्ड ने प्लेटफॉर्म टिकट की दर तय करने का अधिकार मंडल रेल प्रबंधकों पर छोड़ दिया, जिन्हें स्टेशन पर ट्रेनों और यात्रियों की आवाजाही के आधार पर निर्णय करना था। बताया जा रहा है कि नया आदेश मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल के निर्देश पर ही जारी किया गया है, मध्य रेल नागपुर मंडल के तहत नहीं आता। यही वजह है कि नागपुर मुख्य स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट फिलहाल ₹50 में ही मिलेगा, क्योंकि यह मध्य रेल नागपुर मंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है। अभी तक इस मंडल की ओर से प्लेटफॉर्म टिकट की दर कम करने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मध्य रेल नागपुर मंडल में भी स्टेशनों पर ट्रेनों की संख्या और यात्रियों की आवाजाही के आधार पर ₹50 और ₹30 की प्लेटफॉर्म टिकट तय है। नागपुर फ्लाइंग क्लब के पुनरुत्थान के लिए वर्षों तक चली न्यायिक लड़ाई में राज्य सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों के अनुसार फ्लाइंग क्लब की शुरुआत करने की प्रक्रिया तो शुरू हुई, लेकिन लंबा समय बीतने के बावजूद अब तक नागपुर फ्लाइंग क्लब शुरू नहीं हो पाने से पुनः सुमेधा श्रीधर घटाटे की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि NCC के डायरेक्टोरेट जनरल ने एक योजना को मंजूरी प्रदान की है, जिसके अनुसार NCC के एयरविंग सी सर्टिफिकेट के छात्रों को नागपुर फ्लाइंग क्लब में 20 घंटे की ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। हाईकोर्ट में अधिवक्ता श्रीनिवास देशपांडे ने कहा कि इस तरह की योजना को मंजूरी दिए जाने से ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उपयुक्त छात्रों को सीधे एयरफोर्स में प्रवेश मिलने का लाभ हो सकेगा। साथ ही यदि कोई व्यावसायिक पायलट लाइसेंस या फाइटर पायलट लाइसेंस लेना चाहता हो तो उसे भी इस ट्रेनिंग से लाभ होगा, लेकिन इसके लिए सर्वप्रथम नागपुर फ्लाइंग क्लब को नागरी उड्डयन के डायरेक्टर जनरल की ओर से लाइसेंस की जरूरत है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उचित जवाब दायन करने के लिए 4 सप्ताह का समय प्रदान किया। बुधवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सहायक सरकारी वकील पाटिल ने अदालत को बताया कि डिप्यूटी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति हो चुकी है, केवल एक अंतिम प्रक्रिया पूरी करना बाकी है। नियमों के अनुसार डिप्यूटी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के स्टैंडर्डाइजेशन की जांच करना बचा हुआ है। सरकारी वकील ने कहा कि इसे भी जल्द ही पूरा किया जाएगा, लेकिन नागपुर फ्लाइंग क्लब को शुरू करने के लिए एक अन्य जरूरी काम करना बाकी है। तो VKB न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।